अभी अभी पढ़ाई कर रहा है। शादी के इतनी जल्दी क्या है, उसकी पढ़ाई तो पूरी हो जाने दीजिए आप। मुझे कोई जल्दी नहीं है, पर पंडित जी ने कहा। क्या कहा पंडित जी ने? सीता, तुम अच्छी तरह से जानती हो हमारे पूर्वजों के दोष के बारे में। अभी की शादी अभी नहीं की तो फिर उसकी उम्र 42 पूरी होने तक इंतजार करना पड़ेगा। उसकी जन्म कुंडली के अनुसार इस साल उसकी शादी होकर बच्चे को जन्म देना होगा, तभी हमारे वंश का दोष दूर होगा। इसीलिए जल्दी से उसकी शादी करनी होगी। सीता, हमें कुंडली के अनुसार काम करना होगा। डैड प्लीज, आप अपना इरादा बदल दीजिए, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है। अभी मैं जानता हूं तुम्हारी उम्र शादी करने के लायक नहीं है, पर मजबूरी है। पहले तुम एक बार लड़की को तो देख लो। चले डैड, आप ये कुंडली उडली का चक्कर छोड़कर कुछ प्रैक्टिकल बात सोचिए। वैसे भी जो तकदीर में लिखा होगा वही होगा। बेटा, हम सिर्फ तकदीर जानने के लिए कुंडली नहीं देखते, हमारे धर्म के अनुसार जो कुंडली में लिखा है हमें वो मानना ही पड़ता है। लेकिन माँ, जब गाड़ी के ब्रेक ही फेल हो जाए तो ड्राइवर को बदलने से क्या फायदा? अच्छा, तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। शास्त्र से मृत्यु को भी दूर कर सकते हैं, तुम नहीं जानते। फिलहाल तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। कमला, कुंडली बड़ी अच्छी है, लड़का सुशील है, मेरे दोस्त का लड़का है। वो एक बार प्रिया को देख के पसंद कर ले तो उसकी शादी फौरन तय कर देते हैं। लेकिन लड़की की शादी इतनी जल्दी? मुझे तो थोड़ा टाइम लगेगा। लड़की की शादी जल्दी करना अच्छा है, ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। कमला, तुम प्रिया से बात करो। हाँ ठीक है, मैं उसे बात करती हूँ। प्रिया बेटी, डैडी तुम्हारी ही शादी की बात कर रहे हैं। मेरी शादी की? हाँ बेटी, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। डैडी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी अपनी पढ़ाई खत्म करनी है। बेटा, मुझे पता है शादी करने से पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आती। ओ कमला, मुझे देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ठीक है। मम्मी, ये सब क्या है? आप डैडी को समझा दो, मुझे ये शादी नहीं करनी। तेरे डैडी मेरी कब सुनते हैं? वो जो दिल में ठान लेते हैं करके ही पीछे हटते हैं। मम्मी, एटलीस्ट एक साल के लिए आपको ये शादी पोस्टपोन करनी ही होगी, प्लीज। तो फिर तू खुद क्यों नहीं बात कर लेती है? मैं और डैडी से बात करूँ? मुझे डर लगता है, आपको ही ये बात करनी होगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं, मैं उनसे बात नहीं कर सकती। मम्मी, अभी एंगेज होना था। ओह गॉड, ये फोन एंगेज क्यों आ रहा है? मुझे कुछ करना होगा वरना। अभी डैडी मेरी शादी के पीछे पड़े हैं, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। यही तो मेरी भी प्रॉब्लम है, लेकिन मजबूरी यह है कि मैं अपने डैडी की बात टाल नहीं सकता। तो अब क्या करें? क्यों ना हम अपने प्यार के बारे में उन्हें सब कुछ खुल के बता दें? मुझे सोचने दो। What do you mean by सोचने दो? अगर मेरे डैडी राजी नहीं हुए तो क्या करोगे? मुझे मेरे डैडी पर जरा भी भरोसा नहीं है। मुझे भी अपने डैडी पे कहां भरोसा है। खैर, तुम फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। प्रिया, फोन बज रहा, उठा नहीं सकती? हेलो बहन जी, मैं आपका संदीप बोल रहा हूँ। जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। आलोक कहाँ है? जी वो घर पर नहीं है। अच्छा, हमारी बहू तो ठीक है ना? जी हाँ ठीक है, पढ़ाई कर रही है। शादी तय कर ली तो अभी पढ़ाई की क्या जरूरत है? शादी तय कर दी तो पढ़ाई क्यों रोके, और फिर उसके एग्जाम भी तो नजदीक हैं। अच्छा तो ठीक है, ठीक से पढ़ने को कहना। ठीक है, आलोक के आते से उसे बता देना कि मैंने फोन किया था। जी भाई साहब, बता दूंगी। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। प्रिया, तुझे पता है किसका फोन था? तेरे होने वाले ससुर जी का। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे ये शादी नहीं करनी है।
और मुझे ये शादी पसंद भी नहीं है। ऐसा मत कहो बेटी, डैडी तो तुम्हारी खुशी के लिए कह रहे हैं, और फिर नसीब में जो लिखा होता है वही तो होता है। तकदीर, नसीब, इन सब बातों को लेकर मुझे परेशान मत करो। मैंने कहा ना, मुझे पढ़ना है, शादी नहीं करनी। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा इसको होता क्या जा रहा है। पूछ रहे थे कि लड़की देखने के लिए कब आ रहे हैं। आपने क्या कहा? मैंने कहा अगले हफ्ते आएंगे। अभी डैडी आपसे बात कर रहे हैं बेटा। तुम्हें जब फुर्सत होगी तब हम चलेंगे, ठीक है? मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा मुझे शादी नहीं करनी है, फिर आप लोग इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? हम जबान दे चुके हैं, ये शादी जरूर होगी। इसे जरा समझाओ सीता। अभी डैडी तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, डैडी की बात मान लो बेटा। खाते समय ये सब बात करना जरूरी है क्या? देखा ना, खाना छोड़ के चला गया। जो बात जब कहनी होती है कहनी चाहिए। हम लड़की देखने जा रहे हैं। अभी तू तो जानता है ना तेरे डैडी कितने जिद्दी हैं। इस बार मेरी बात मान ले और शादी के लिए हाँ कह दे। इसका मतलब मेरी इच्छा की कोई कदर नहीं है? मां आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। जिंदगी का सवाल? आज तक तूने जो जिंदगी में चाहा है वो हमने किया है, पर इस बार तो हमारी बात मान ले। डैडी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। मुझे पता है, हम दोनों का एक ही हाल है। मैंने बहुत सोचा पर कोई हल नहीं निकला। घर वाले अपने इरादों पर अटल हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। क्या? प्रिया, जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वो खुदकशी के समान है। प्रिया, हमें बिछड़ना होगा। इस समस्या का यही एक हल है प्रिया। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं तुमसे बिछड़कर नहीं रह सकती, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती हूं। अभी क्या तुम मुझसे जुदा होकर रह सकते हो? क्या तुम मुझे भूल पाओगे? नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं मर जाऊं। मैं मर जाऊं। प्रिया, हालात समझने की कोशिश करो। हमें अपने घर वालों के खिलाफ जाने से कोई फायदा नहीं, उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ेगा। मेरी बात मानो, जहां तुम्हारे घर वाले कहते हैं तुम उससे शादी कर दो। अच्छा, तो तुम सब कुछ तय करके आए हो, तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। मैं तुमसे बिछड़ कर नहीं रह सकती। किसी और से शादी करना ये तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। प्रिया, मेरी बात सुनो। प्रिया, कहां कहां नहीं ढूंढा। खाना तैयार है, चल खाना खा ले। चल। प्रेमिका घर में बीमार पड़ी है, प्रेमी उसको ढूंढता फिर रहा है। लगता है इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हुआ है। मैंने पूछा था लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। इसने बताने के लिए क्या रखा है? अभी और प्रिया की मोहब्बत को ग्रहण लग गया है। उनकी मोहब्बत का आधा हिस्सा राहुल निकल गया है। देख,
अभी आ रहा है। चलो उससे पूछते हैं कि उसके प्यार का कितना हिस्सा राहू ने निगल लिया। क्या हुआ अभी? यूं चुप रहने से हमें कैसे पता चलेगा? आखिर हुआ क्या? बताओ भी। यार तुम दोनों के बीच क्या हुआ है? मुझसे एक गलती हो गई। गलती? कैसी गलती? मेरे डैडी मेरी शादी किसी और लड़की से करवाना चाहते हैं। प्रिया के घर वालों ने भी उसके लिए कोई लड़का देख रखा है, पर मैं अपने डैडी की बात टाल नहीं सकता, इसलिए मैंने कहा कि। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि अब हमें जुदा हो जाना चाहिए। ये तो सरासर धोखा है यार। नहीं तो क्या, तुमने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। ओह गॉड, बेचारी प्रिया का क्या हाल हो रहा होगा, कहीं उसने जहर वहर तो नहीं खा लिया। चलो एक बार और फोन करके देखते हैं, रिंग हो रही है। हेलो। हेलो प्रिया जी, मैं उसकी फ्रेंड चार्मी बोल रही हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए कॉलेज नहीं आई। अच्छा ठीक है। प्रिया की मम्मी कह रही थी कि प्रिया बहुत बीमार है, अब क्या करें? एक काम कर, तू और चार्मी जाकर प्रिया से मिलो, आगे क्या करना है हम प्लान करते हैं। तुम दोनों कभी अलग नहीं होगे, हम करवाएंगे तुम्हारी शादी। ठीक कहा, चाहे घर वाले कुछ भी कहें, तुम दोनों की शादी होकर रहेगी। तो हम चलें? यार तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया है? आप? हम प्रिया के दोस्त हैं। ओ प्रिया बेटी तो अपने कमरे में आराम कर रही है। हम जाकर मिलें? क्यों नहीं, आइए। थैंक यू। प्रिया बेटी ऊपर अपने कमरे में है, जाकर मिल लीजिए। जी जी। तू घबरा मत, क्या करना है हम प्लान कर चुके हैं। अभी तुमसे ऐसा कहने पर पछता रहा है, कह रहा था कि बिना सोचे ही वो ऐसा कह गया। हाँ प्रिया, अभी तुझे दिल से चाहता है। कम इन। कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू। कम से कम डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए। हाँ चली जाऊंगी। तो फिर परसों शिवाजी चौक पहुंच जाना, हम वहाँ कार लेकर तेरा इंतजार करेंगे, ठीक सुबह 9 बजे। हम लोग तुम्हारा वहाँ इंतजार करेंगे। ओके ठीक है, मैं पहुँच जाऊंगी। तू डरना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तो फिर हम चले। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ यार? प्रॉब्लम है यार। तू टेंशन मत ले, वो आ जाएगी। हाँ वो आ जाएगी। हाँ रुको रुको रुको, लगा दी तुमने। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, चलो चलो जल्दी करो। अभी कहाँ है वो? नहीं आया, वो तो काली माँ के मंदिर में है। चलो जल्दी करो, चलो। हाँ चलो। शिवे सर्वात् साधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते।
माजी माजी प्रिया बेटी अपने दोस्तों के साथ कार में चली गई। क्या? हाँ माजी। मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या को तुरंत बुलाइए। अरे लड़की आ गई पंडित जी, शुरू करिए, टाइम नहीं है, जल्दी करिए ना। करो मंगल मांगले शिवे सर्वात साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। रामनाथ, मैं विश्वनाथ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो विश्वनाथ, क्या हाल है? हाल तो ठीक है, मगर मगर क्या है? तेरे बेटे को मैंने काली माँ के मंदिर में देखा। वो वहाँ क्या कर रहा है? शादी। शादी? क्यों मजाक कर रहा है? अरे मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ, तेरा बेटा सचमुच शादी कर रहा है। क्या? सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वात साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप एक दूसरे को वरमाला बनाइए। आप इसकी मांग करिए। मंगल मांगले शिवे सर्वात साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। कमला जल्दी आओ, चलिए 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 आओ आओ दबड़ो। हम इन दोनों की ही शादी करवाना चाहते थे, मगर इन लोगों ने खुद ही शादी कर ली। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बेटी, हम तुम्हारी शादी अभिषेक के साथ ही करना चाहते थे। क्या? मिथुन शुभ योग है, परंतु कुछ बाधाएं दिखाई दे रही हैं। बाधा? कैसी बाधा पंडित जी? डरने की बात नहीं है, छोटी मोटी समस्या है। समस्या का कोई तो हल होगा पंडित जी? हल जरूर है, पूर्वजों को शांत करना होगा। इसका उपाय मैं लिख कर देता हूँ। जी पंडित जी। और सुहागरात? अभी नहीं, पहले समस्या हल हो जाए, मुहूर्त मैं लिख कर देता हूँ। क्या बात है, सभी लोग बहुत हंस रहे हैं। शिव ने कोई जोक सुनाया क्या? शिव के जोक पर नहीं, तेरे जोक पर हंस रहे हैं। मेरा जोक? कैसा जोक? भाई तेरा नाम, तेरी मैरिज सब एक जोक सा बन गया है, कहीं तेरी फर्स्ट नाइट भी जोक ना बन जाए। हाँ यार, मैंने कहीं पर सेक्स स्पेशलिस्ट का बोर्ड देखा था। अरे नहीं नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं है। अच्छा, मैं समझ गया, तुझे नीली फिल्म चाहिए ना। अरे नहीं नहीं, वो भी नहीं यार। तो फिर तुम ही बताओ आखिर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है यार पंचांग की। मतलब पांच अंगों का? बाप रे बाप, फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तुम लोग मेरी बात सुनोगे या मैं जाऊं? बोलो ना, सस्पेंस बढ़ रहा है। हमारी फैमिली के ज्योतिषी ने कहा है कि हमारी सुहागरात कुछ दिन तक नहीं हो सकती। क्यों, तुम्हारे ज्योतिषी को ये शादी पसंद नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है यार, दरअसल मुहूर्त ही ठीक नहीं था। तेरे की साले, ये शादी का मुहूर्त सुना है, पर ये फर्स्ट टाइम का कैसा मुहूर्त? अब मुझे क्या मालूम,
इसका मतलब शादी होने के बाद भी तू बेकार है। अब क्या होगा, अपनी प्रिया का बेचारी बेचैन हो रही होगी। मैं भी सबर नहीं कर सकता यार, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है। कैसा प्लान? कहीं दूर जाके हनीमून मनाने का। वाओ, मगर तुम्हारे घर वाले जाने देंगे क्या? क्यों नहीं, मंदिर का बहाना जो है। तू तो बड़ा चालाक निकला। खैर कहीं भी रहो, मुझे फोन करते रहना, स्पेशली एट नाइट। रात को क्यों? अगर कोई एडवाइस या टिप्स चाहिए तो। ठीक है, सारे टिप्स इकट्ठा करके रखना। चलो चले। प्रिया को हमारी तरफ से हाय कहना। हाँ ठीक है, कह दूंगा। चलो, चलो। खुशबू खुशबू में जादू, जादू में कोई नशा है। ऐसे में तुझको बाहों में ले लूं, तेरे बदन तेरी सुल्फों से खेलूं, ये दिल चाहता है, ये दिल चाहता है। मेरा जिस्म जल रहा है, मेरी नीयत बदल रही है, दिल भी बदल रहा है। तेरी बहकी बहकी बातें मैं बेहोश कर रही हूँ, मेरी धड़कनों में कोई नया जोश भर रही है। ये क्या हो रहा है, ये दिल चाहता है। यहाँ एक साथ चल रहे हैं, दोनों ही एक मिलन की चाहत में जल रहे हैं। तेरा कसूर ही ना, ये मेरी भी खता है, मौसम ही जाने जाना कोई इस तरह का है। हाँ नशा ही नशा, ये दिल चाहता है। हवाओं में खुशबू खुशबू में जादू, जादू में कोई नशा है। ऐसे में तुझको बाहों में ले लूं, तेरे बदन तेरी जुल्फों से खेलूं, ये दिल चाहता है, ये दिल चाहता है। को क्या हो गया, शादी नहीं हो रही। अब क्या होगा? घबराओ मत। My God. कोई रास्ता निकालते हैं। अभी कितनी अजीब सी जगह है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी लगता है कुछ बड़ी खराबी होगी। चलो आसपास कुछ देखते हैं। आसपास
कौन हो तुम लोग? हम बहुत दूर से आए हैं। यहाँ से गुजरते वक्त अचानक गाड़ी खराब हो गई, रात गुजारनी है। ये हवेली किसी के रहने के लायक नहीं है, तुम लोग यहाँ से फौरन चले जाओ। बाबा जी आप प्लीज ऐसा मत कहिए, इतनी रात को और इस घने जंगल में हम कहाँ जाएंगे? वो सब मैं नहीं जानता, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। बाबा जी प्लीज ऐसा मत कहिए, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? बाबा जी हमें सिर्फ आज की रात यहाँ गुजारने दीजिए, सूरज निकलते ही हम कल यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज बाबा जी इनकार मत कीजिए। जो तुम्हारी मर्जी, चलो। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। तुम लोग इस कमरे में रह सकते हो, मैं फिर से कह रहा हूँ ये जगह ठीक नहीं है, सावधानी से रहना। और हाँ, तुम लोगों ने कुछ खाया क्या? जी नहीं, आपने रहने के लिए रूम दे दिया यही बहुत है। ठीक है ठीक है, तुम लोग आराम करो, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। भी नहीं है। वो वहाँ पे थी, वो मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो वहाँ पे थी, अभी मैंने उसे देखा है। वो तुम्हारा बहन होगा, वहाँ तो कोई भी नहीं है, देखो वहाँ साड़ी है, वहाँ टॉवल टंगा हुआ है, कोई भी तो नहीं है। मेरा विश्वास करो, वो अभी वहाँ पे थी। एक काम करो, तुम जाकर नहा लो, मैं यहाँ दरवाजे पे खड़ा हूँ, जाओ जाओ नहा लो। खाना तैयार है, आके खा लो। चलो हम थोड़ी देर में आके खाना खाते हैं। ठीक है, तो ढक के रख देता हूँ, आके खा लेना। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो ना चल के खाना खा लेते हैं, बाबा जी को क्यों परेशान करें। चलो 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 ना, मुझे बहुत भूख लगी है। सुनो, इसमें रोटी है, उसमें सब्जी है, वहाँ पे चावल है, एकदम आराम से खा लेना। थैंक यू। चावल? चलो। चम्मच? चम्मच तो है नहीं, हाथ से खाते हैं। हाथ से? अच्छा है ना? क्या हुआ? कीड़े। कहाँ है कीड़े? अरे ये तो प्लेट में कीड़े ही तो है। प्रिया ये तो खाना है, कीड़े कहाँ है? ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं, मुझे तो सब कीड़े ही दिख रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ है प्रिया? वहाँ बाथरूम में औरत और यहाँ कीड़े? अभी मैं सच कह रही हूँ, प्लेट में सब कीड़े ही दिखे थे। कुछ नहीं,
देखो मैं खा रहा हूं, कुछ हुआ तुम ही खाओ। प्लीज है कीड़े? खुद डरती हो और मुझे भी डराती हो। सुनकर आया था। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बुलाना, अपने कमरे से बाहर मत निकलना, जाओ जाके सो जाओ। ठीक है। अभी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम गाड़ी ठीक करवा के आज ही वापस चले जाते हैं। मैं हूं ना, डर किस बात का, ये जगह एकदम पीसफुल है, यहां हमें डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है। हनीमून के लिए इससे बेहतर जगह और कहां मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी, अभी मुझे यहाँ घुटन सी महसूस हो रही है। चलेंगे लेकिन दो दिन के बाद, इतनी सुटेबल जगह है। यहाँ और इस हवेली में? नहीं नहीं अभी प्लीज, कहीं और चलते हैं ना प्लीज अभी। प्रिया तुम बेवजह डर रही, मेरी बात मानो, इससे सुटेबल जगह और कोई हो ही नहीं सकती। और जो भी इंतजाम करना होगा हमारी फर्स्ट नाइट का मैं कर लूंगा। मगर अभी मगर कुछ नहीं,